बिग बॉस के घर के अंदर आज कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। घर के अंदर जो टास्क आया है और जो सेटअप लगा है वो ऐसा लगता है कि जो जूली का बदला हमने बिग बॉस 14 के सीजन में देखा था कुछ ऐसा है, वही सांप सीढ़ी जैसे टास्क की जो बिग बॉस 13 में हुआ था उसका जिक्र करते हुए नजर आए प्रतीक और निशांत। कौन कितना सेक्रीफाइस करता है वो आगे बढ़ता जाएगा और VIPs तय करेंगे कि किसका सेक्रीफाइस बड़ा था और वो किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके का टास्क है। फाइल जो है पूरी म्यूट पर पड़ी गई है, लेकिन एक बात तो तय है कि मिडवीक एविक्शन है। बाहर गार्डन एरिया में 7 कॉफिन्स बने हैं और इन सबको जाकर जहां वो चाहते हैं खड़े हो जाएंगे और उसके बाद एक एक करके VIPs की कुछ डिमांड होंगी। वहां पर एक बहुत ही भयंकर सा सेटअप सा लगाया हुआ है जहां पर 2 लोग सिंहासन पे बैठेंगे। तो पूरा टास्क का फाइल जो है म्यूट पर पड़ा गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि आज का ये टास्क काफ़ी मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि प्रतीक, निशांत, करण ये बात डिस्कस करते हुए नजर आए कि यार इसका जो है आप पैरामीटर कैसे सेट करेंगे कि सेक्रीफाइस किसका बड़ा है या छोटा है। तो कुछ तो सेक्रीफाइस को लेकर है, हालांकि मैं इस बात को लेकर ऑनेस्टली श्योर नहीं हूँ क्योंकि सब कुछ म्यूट पर था, लेकिन उसके बाद की आपस की जो इनकी बातचीत चल रही थी उससे ये बात समझ में आई वहाँ। और जहाँ तक बात है एलिमिनेशन की, आज करण और तेजस्वी भी ये कह रहे थे कि इस बात के लिए तो तैयार हो जाओ, आज कोई जाएगा लेकिन जो भी जाएगा हमें अपने आप को संभालना होगा, यानी कि कोई भी जा सकता है तो उससे हर्ट नहीं होना है। तो तेजस्वी और करण इस बात को लेकर आपस में बातचीत करते हुए नजर आए।